साथियों जय हिंद। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपारा जिला सिवनी में पदस्थ एक भत्य जो कि कविता लिखते हैं, आज के इस वीडियो में हम उनके द्वारा गांव से पलायन पर लिखी गई एक कविता आपको दिखाने जा रहे हैं। अचानक मेरी नजर एक ट्रैक्टर एक ट्राली डंपर पर पड़ी। इन ट्रैक्टर ट्राली डंपर के साथ करीब 10-15 मजदूर साथ थे। देखते ही ये मजदूर वो मेरे गांव, वो मेरे कस्बे कि उन पत्थरों को उठा उठा कर पकड़ कर ट्रैक्टर ट्राली डंपरों पर डाले चले जा रहे थे। मुझ ग्रामीण अंचल का लेखा खींचता मुझे देखा नहीं गया। आखिर यार ये कौन लोग हैं जो सुबह सुबह ही मेरे गांव बस्ती कस्बे पे चले आए हैं और मेरे इस ग्रामीण अंचल पे जो पाषाण पत्थर पड़े हैं ये उठा उठा कर ट्रैक्टर ट्राली डंपरों पर डाले चले जा रहे थे। ये मजदूर लोग उन पत्थरों के साथ ऐसा कुछ बर्ताव कर रहे थे जिस प्रकार की किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध कर बैठा हो और उसके साथ ठीक पुलिस वाले वैसा व्यवहार करते हैं, ठीक वैसा व्यवहार वो मजदूर लोग पत्थरों के साथ कर रहा था। यह देखते ही मुझे देखा नहीं गया। मैंने सोचा मैं तो इस ग्रामीण अंचल का लेखा की हूँ और फिर मेरा जन्म आज कल परसों इस गांव बस्ती कस्बे में हुआ है, लेकिन जो मेरा ग्रामीण अंचल के जो पत्थरों को देखता हूँ जो तो आज से नहीं ये सदियों से पूर्व निवासी हैं। आखिरकार मुझे देखा नहीं गया और उस ट्रैक्टर ट्राली डंपर के करीब पहुँचा। पहुँचते ही मेरी मुलाकात उस ट्रैक्टर और डंपर चालक से हुई। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे गाँव, मेरे बस्ती, मेरे कस्बे पर आए, कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार ये आप बताइए कि पत्थरों को इन ट्रैक्टर ट्राली डंपर के आखिरकार कहाँ ले जाया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक डंपर चालक कहने लगा मेरे भाई, मेरे बंधु, जैसे तुम हो यार वैसे तो मैं भी हूँ, और फिर भला मैं कौन अपनी मर्जी से लेने आया हूँ। ट्रैक्टर चालक डंपर चालक से मैंने कहा कि फिर भाई, फिर आप किसकी मर्जी से लेने आए हो। तो बोले मुझे तो मैं अपनी मर्जी से लेने नहीं आया हूँ, जैसे तुम हो यार वैसे तो मैं हूँ। मुझे तो ऊपर से ग्राम पंचायत का आदेश है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का, कलेक्टर का, उन मंत्री को, उन सरकार का है। मैं पूरे पावर से आया हूँ तेरे गांव कस्बे की इन पत्थरों को उठा कर ले जाऊँगा। मैंने कहा दिखा भाई, देखूँ तो भला किसके आदेश से आया हूँ। उस ट्रैक्टर चालक डंपर चालक ने मुझे आदेश की सत्य प्रतिलिपि काफ़ी दिखाया। मैं लेखक ही था, जब मैं लिखना जानता हूँ तो पढ़ना भी जानता हूँ, जब मैं पढ़ा तो समझ गया। सरपंच से, जनपद पंचायत से, जिला पंचायत, कलेक्टर, सरकारी मंत्री से तो पूरी सरकार, पूरी दुनिया, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, फिर वाला मैं कौन होता हूँ जिन पत्थरों को ले जाने से रोकूँ। मैं तो मात एक लेखक ही हूँ, मेरी कलमें तो मात कोरे पंडे पर चल सकती है, कहीं इनके आगे कहीं कुछ मेरी चलने वाली नहीं है। इतना कहते ही मैं एक दूर एक पेड़ के तले छांव पे खड़ा हो गया। सारा नज़ारा देखते रहा, देखते देखते वो मजदूर लोग वो मेरे गांव, मेरे कस्बे के वो पत्थरों को उठा उठा कर ट्रैक्टर ट्राली पे डंप होकर डाले चला जा रहे। देखते ही देखते वो ट्रैक्टर वो ट्राली पत्थरों का लोड रफ्तार होते ही ट्रैक्टर और डंपर का इंजन चालू हो गया। इंजन चालू होते ही शोरगुल करने लगा। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही वो सवार पत्थर आपस में हिल रहे थे, ढुल रहे थे। वो ट्रैक्टर वो ट्राली से बड़ा रफ्तार जो है सने सने अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और मुझे आभास हो रहा था, लग रहा था ये जाते जाते पत्थर मेरे से बाय बाय कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं। फिर मुझे देखा नहीं गया और फिर मैं ट्रैक्टर ट्राली डंपर के करीब पहुंचा। पहुंचते ही ट्रैक्टर ट्राली डंपर पर झुका, झुकते ही सवार पत्थर को उठाया। उस पत्थर से मैंने पूछा क्यों भाई पत्थर, आखिरकार तू मेरे गांव कस्बे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। पत्थर कहने लगा मेरे भाई, कब तक हम गाँव के गंवार इंसान बने पड़े रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, निरक्षर रहेंगे। मेरे भाई मुझे जाने दो यार, तो मेरे जाने पर इतना दुख पर घट मत करो। मैंने उन पत्थर वो पत्थर ही नहीं, वो मेरे गांव के अपने लोग थे जिनके साथ मैंने खेला था, कूदा था, एक स्कूल एक विश्वविद्यालय में पढ़ा था, लिखा था, जो लोग मेरे गांव बस्ती कस्बे को छोड़ के घर परिवार छोड़ के अन्यंत्र कहीं शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, नहीं वो मेरे अपने लोग थे जिनके साथ मैं खेला था, कूदा था, पढ़ा था एक स्कूल। तो उन पत्थरों से पूछना चाहा, पत्थर ने मुझे, सवार पत्थर ने मुझे अपना एड्रेस बताया। लिख ले भाई मेरा पता, ग्राम पंचायत कार्यालय। तमाम पत्थरों ने भिन्न भिन्न प्रशासनिक कार्यालय दूरभाष क्रमांक के पते दिए। वो पत्थर कहते हैं मेरे भाई मुझे जाने दो यार, और मेरे जाने तुम इतना दुख में प्रकट मत करो,
फिर भला मैं कौन पैदल जा रहा हूँ? नहीं, मेरे लिए तो फोर व्हीलर गाड़ी है, ट्रैक्टर है। दस से ज़्यादा विश्वास बढ़ा दिया है, जा रहा अच्छा भाई। एक काम कर, मुझे अपना एड्रेस पता दे जाना। तमाम पत्रों ने ब्यौरा पूछा, तमाम पत्रों ने भिन्न भिन्न प्रशासनिक दूरभाष क्रमांक के पते दिए। बस एड्रेस पता लिखते ही वो ट्रैक्टर, वो डंपर का इंजन चालू हो गया। इंजन चालू होते ही वो शोरगुल करने लगा। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही वो पत्थर आपस में हिल रहे थे, डुल रहे थे। मैं एक लेखा की था, मुझे आभास हो रहा था जाते जाते ये पत्थर मुझे अलविदा कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। देखते ही देखते मेरी नज़रों से ओझल हो गए, जाने कहाँ चले गए, मुझे कुछ पता नहीं। मैं सन्न हो गया। मैं एक लेखा की था कि मैं उस गांव की जिंदगी जी ही रहा था। इन पत्थरों से बिछड़े हुए मुझे एक पंचवर्षीय पूर्ण हो चुकी थी, तीसरी पूर्ण हो चुकी थी, चौथी बस चल ही रही थी। मुझे लगता है जो लोग मेरे गाँव कस्बे को छोड़ के 20-25 सालों से अपने गांव कस्बे को छोड़ के जो बड़े शहरों पे महानगरों पे चले जाते हैं, भाई वो तो बदले ही होंगे। तो इन पत्थरों से पिछड़े हुए मुझे पूर्ण 3 पंचवर्षीय पूर्ण हो गई थी। चौथी पंचवर्षीय पे मुझे उन पत्थरों के एड्रेस पते पे एक दिन मैं अपने गांव कस्बे से पैदल ही चल पड़ा कि चलते चलते रास्ते पर मुझे एक नवनिर्मित बिल्डिंग मिला। उस नवनिर्मित बिल्डिंग में ग्राम पंचायत कार्यालय भला गाँव। जब उस बिल्डिंग भवन के करीब पहुंचा, मैं एक लेखा की था, मैं उस रास्ते पे एक बार नहीं कई बार चला था, लेकिन ऐसी नवनिर्मित बिल्डिंग मैंने कभी नहीं देखा। जब उस बिल्डिंग के करीब पहुंचा तो बहुत बड़ी सड़क छुपे लिखा था ग्राम पंचायत कार्यालय फला गांव। मैं एक लेखा की था, जब अपनी नोटबुक डायरी निकाला, जब एड्रेस पते का मिलान किया तो मैंने समझ गया मैं ठीक जगह पर आया हूँ, सही पते पर आया हूँ। वो मेरे गांव के हमशक्ल को ढूंढना चालू किया। वो हमशक्ल पत्थर मुझे कहीं नज़र नहीं आया था, कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि कलर और पेंट था भरा। वो मेरी हमशक्ल मुझे कहाँ पहचान पाएगी? वो मेरी हमशक्ल भला कहाँ पहचान पाएगी? वो मेरी हमशक्ल को ढूंढने की बहुत कोशिश किया। उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मुझे हो सकता है ये पत्थर इसी एड्रेस इसी पते पे आए, हो सकता है ये न्यू का पत्थर बन गया होगा, इसका जीवन सार्थक हो। लेकिन मैं एक लेखा की था, मुझे संदेह था, हो सकता है इसके न्यू में बेस का पत्थर नहीं बन पाया होगा, हो सकता है कालम का पत्थर बन गया, चलो इसका जीवन धन्य हो गया। लेकिन वहाँ भी मुझे संदेह था कि उसकी मैं एक लेखा की था, हो सकता है दीवार पे लग गया, दीवार पे भी नज़र नहीं आ रहा था। उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द घूमते रहा, लेकिन वो गांव का हमशक्ल मुझे नज़र नहीं आता। हो सकता है इस कार्यालय का चैम्बर का पत्थर बन गया होगा। तो उस बिल्डिंग भवन के प्रवेश के प्रवेश करने ही वाला था कि पीछे से दर्द की चीतकार की पीड़ा की आवाज़ मेरे कानों पर सुनाई पड़ी। जब मैं पलट के देखा तो वे मेरे गाँव के हमशक्ल के पत्थरों का ढेर बिखरा पड़ा था। मैं पत्थरों के ढेरों के पास जा बैठा, उन पत्थरों से बातें किया, क्यों भाई पत्थर? बोले भाई क्या बताएं यार, काश तुम्हारा कहने माने होते तो गांव के एक अच्छे इंसान होते, एक मजदूर होते, एक किसान होते, एक शिल्प कलाकार होते, कुछ नहीं गांव के पंच और सरपंच होते। लेकिन क्या बताएं यार, लेकिन अब हमारी स्थिति बड़ी बदतर हो गई है। मैंने कहा कैसे हो गई है भाई? तो बोले जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना होता है ना घाट का होता है, है क्या? नहीं, धोबी का कुत्ता घर का होना घाट का होता है, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। और तो हर हम ये नौकरी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में अपने माँ बाप से परिवार से अनबन हो गए हैं, और जो कुछ पूर्वजों की थी वो भी चल संपत्ति भी हमने बेच दिए हैं। जितनी आवश्यकताएं पूरी होती उतनी पूर्ति करते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। सही सही, बहुत बढ़िया। और भी बताऊंगा सर। हाँ, बहुत बढ़िया, फिर कभी बैठेंगे।